के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ आसन बताइए जिससे कि स्ट्रेस कम हो। देखिए, योग आसन के संबंध में एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसी से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताड़ासन, आप हैरान होंगे, इन दिनों दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल के हो जाते और अपना दोस्त थोड़ा ऊंचा हो गया तो अपना भी मन करता है, एकदम खड़े हो जाते हैं, ताड़ासन करने लग जाते हैं। मन में तो ये रहता है कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं तो शायद मेरी हाइट बढ़ेगी। हकीकत में उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो आपको, आपके शरीर, मन, बुद्धि एक साथ कैसे काम करते हैं वो सिखाती है। आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं आपको पता चलेगा। आप लोग, यहां मैं कहता नहीं, एक प्रयोग करना, 2-3 दोस्त मिलकर के करना, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप खड़े रहिए, सबको पूछोगे तो जवाब एक ही आएगा, सबको अपने पैर पे खड़े हैं, सही है ना? ऐसे ही मैं खड़ा हूं तो आप सब यही कहेंगे ना कि मैं पैर पे खड़ा हूं, क्या कहेंगे? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं वही कहेंगे ना। लेकिन आप ऑफलाइन तो नहीं है ना? अगर बारीकी से देखोगे, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। अगर जैसे ही बॉडी की तरफ थोड़ा नजर करोगे तो आपको ध्यान आएगा, नहीं, मेरा तो पूरा वेट मेरी कमर पे है। अगर वहां कॉन्शियस होकर के थोड़ा उसको रिलैक्स किया तो ध्यान आएगा, नहीं, मेरा पूरा बॉडी वेट तो बटक्स पे है। फिर वहां रिलैक्सेशन किया तो ध्यान आएगा कि नहीं, मेरा तो पूरा बॉडी वेट नी पे आके अटका हुआ है। फिर एंकल पर आके, बहुत बाद में पता चलेगा कि तलवे पर वेट आता है। इट मे टेक 1 or 2 मिनट। और यूं ही खड़े हैं तो आपको भी पता नहीं है कि आप पैरों पे खड़े हैं कि कमर पे खड़े हैं। आप आज ही प्रयोग यहां से निकल करके 3 नौजवान खड़े करके एक दूसरे का टेस्ट लीजिए। अब ये आप सीख गए तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अब शवासन है, योग निद्रा है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है जो योग निद्रा के द्वारा, उसकी सीढ़ी अवेलेबल होती है, आप इस सीढ़ी को के आधार पर खुद भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कम नींद भी आपको साउंड स्लीप देती है। और मैं मानता हूं कि नींद बहुत आवश्यक है जी। इसका मतलब ये कि भी सोते ही रहे हैं और घर में सब कहे तो कुंभकर्ण है, ये ऐसा नहीं। क्वालिटी स्लीप, मैं इतना सारा जिम्मा लेकर के काम कर रहा हूं, आप जानते होंगे क्या कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मुझे बिस्तर पर जाने के बाद शायद 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है, 30 सेकंड ऐसे ही धड़ाक से सो जाता हूं। पूरा दिन भर काम में लगा रहता हूं तो देरी नहीं लगती, लेकिन जब उठता हूं तब एकदम क्वालिटी नींद पूरी कर करके उठता हूं, घंटे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी नींद को भी वेरीफाई कीजिए, देखते रहिए। योग निद्रा का प्रयोग ऐसा है, YouTube पर जाएंगे तो वहां भी अवेलेबल होती है। आप योग निद्रा, और बड़ा सिंपल प्रयोग है, ऐसे ही सोए सोए ट्रैवलिंग करना होता है, कभी पैर के पास चले गए, कभी हाथ के पास चले गए, दिमाग के पास चले गए, कान के पास चले गए, खुद के ही ट्रैवलिंग करना होता है, 1-2 मिनट में एकदम से गहरी नींद में चले जाते हैं, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और इसलिए कोई पर्टिकुलर आसन के पीछे अभी मत पड़िए, जो आपको कंफर्ट है उसी को। अच्छा, कुछ लोगों की सोच यह है कि योग यानी बॉडी बेंडिंग, इस चक्कर में मत पड़िए, जहां जाए अटक जाइए, उसी को एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस को एंजॉय कीजिए, पेन को एंजॉय कीजिए। आप पोजीशन पाने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप देखिए आपको एक अलग अनुभूति होगी।